أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज बहुत दिनों बाद ये फिर से थोड़े से पौधों की अरेंजमेंट चेंज की है। मौसम की वजह से भी थोड़े से पौधे ख़राब हो रहे हैं। ये बोगनविलिया है, ये पिंक फूलों का है, इसमें ब्लैक काली मिर्च की तरह की बीज होती है और थोड़ा टाइम लगता है बनने में, लेकिन ये कि उससे पौधा निकल आता है। ये बोगनविलिया, ये वो है अंतुक मलिंगा, और यहाँ मैंने बीजें डाली हैं उन्हीं को देखने चली थी। ये हरा धनिया मैंने तोड़ के थोड़ा एक दाना दो में डिवाइड करके वो लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। ये आलू है, प्याज है, पीछे की तरफ लहसुन लगाया था, और ये सूरजमुखी सनफ्लावर निकला है, एक ही निकला है। ये बेल चढ़ा रही हूँ कि ये चढ़ जाए, ऊपर तक हो जाए, थोड़ी ग्रीनरी हो जाए। एक्चुअली एज यू नो माई फर्स्ट टारगेट इज़ टू मेक ग्रीन, तो इस एरिया को ग्रीन करना था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ग्रीन हो गया है। ये हमारी मिर्चें हैं, थोड़ा मौसम के हिसाब से थोड़ी उदास सी हो रही है। और ये मेरे फूलों का एक पौधा है, रोज़ है, आजकल रोज़ भी नहीं है इसमें। ये कड़ी पत्ता, ये था हमारा पिंक कलर के पत्तों का, ये थोड़ा सा माशाल्लाह बेहतर हुआ है। काफ़ी अब प्रॉब्लम ये है कि इसी में अमरूद का भी लगा हुआ, इसी के पास किसी को भी हिलाएं तो आगे क्या चलेगा पता नहीं। और हवा ऐसी चली है कि जिसकी वजह से पौधे ख़राब बहुत सारे हुए हैं। हमारा नारियल का है, ये तो खुमालिंगा है, इसका भी यही प्रॉब्लम है, इसको हटाएंगे तो ये भी डल हो जाएगा। ये बैगन का है, बैगन के आजकल फूलों का कलर चेंज हो गया है, थोड़े डार्क हो गए हैं, पत्तों पे भी पर्पल कलर आ गए हैं। और ये गमले, बस कुछ तबीयत की वजह से पौधों को इतना देखा नहीं, सर्दी भी बहुत है, इसलिए ये पौधे जो हैं बस चल रहे हैं, अल्लाह भरोसे, अल्लाह ताला इनको चला रहा है, बंदे की क्या औकात। ये तेज़ हवा से हमारे इसकी चंपा की एक शाख टूट गई, जिसको बहुत एहतियात कर रही हूँ कि वो सही हो जाए। ये अरवी लगी हुई है, इसमें मैं देख रही हूँ कि शायद ज़मीन में हो कहीं पर, तो ज़मीन भी इतनी मिट्टी ठंडी हो रही थी कि मैंने देखा इसमें अभी नहीं है, शायद अंदर की तरफ हो, ज़मीन बहुत ठंडी हो रही थी इसलिए फिर छोड़ दिया। और ये तो खजूर उसके ऑरेंज के बीज डाल देते हैं तो निकल आते हैं, तो वो वही है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर इसको अलग कर दें। मसला ये है कि शौक़ ज़्यादा है, जगह कम है। ये अरबी का पत्ता है जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको बेसन में डिप करके तलते भी हैं, एक दफ़ा अभी रमज़ान में तला भी था मैंने, वही एक ही अरबी से निकला हुआ ये पौधा है। रमज़ान हो रही है